हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास ट्वेल्थ का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड आज इस चैप्टर में हम कवर करेंगे एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक दैट इज़ ग्लोबल डाइवर्सिटी तो हम जो ऑलरेडी पढ़ चुके थे दैट इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी कि वॉट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड वॉट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी अब हम समझते हैं व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी चलो डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन द नंबर ऑफ स्पीशीज अभी तक जो अर्थ पे डिस्क्राइब हो चुकी हैं दैट इज 1.5 मिलियन दैट इज 1.5 मिलियन तो भाई अभी तक जो डिस्क्राइब होने वाली स्पीशीज है मतलब अभी बायोडाइवर्सिटी कितनी है जिसको लोग अभी स्टडी कर चुके हैं जिसको ऑलरेडी डिस्कवर कर चुके हैं वो है 1.5 मिलियन तो मतलब कि बायोडाइवर्सिटी काउंट अगर हम ग्लोबल डाइवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी का अगर हम डिस्कशन करें तो अगर नंबर्स पूछूं मैं आपसे एग्जैक्ट तो इट इज 1.5 मिलियन इट इज 1.5 मिलियन स्पीशी According to Robert May's global estimate, about seven million species would have been on Earth. अब Robert May was a scientist, है ना मतलब मुझे वो exact बोलना चाहिए, was a biologist. So Robert May, he was a biologist. उन्होंने एक estimation दिया था कि अभी अर्थ पे 7 Earth पे total seven million species हैं। Earth पे total seven million species हैं, of plant and animal दोनों को मिला के together जो biodiversity count है Earth पे वो seven में है। सेवन मिलियन है अब सेवन मिलियन में से जो अभी डिस्कवर अगर हम उसको एग्जैक्ट भी माने कि चलो ठीक है रॉबर्ट मेज ने सही बोला है तो अभी कितना डिस्कवर हुआ है वन पॉइंट फाइव परसेंट तो मैं अगर बोलूं अगर हंड्रेड परसेंट में से अभी सिर्फ और सिर्फ अराउंड ट्वेंटी फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट ही हम डिस्कवर कर पाए हैं ऑलमोस्ट टेन टू फिफ्टीन परसेंट बोलना चाहिए मुझे तो अभी हम सिर्फ इतना ही डिस्कवर कर पाए हैं बहुत सारी स्पीशी ऐसी हैं जो येट अनडिस्कवर्ड है अभी भी उनको हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं है ना ही कंसीडर्ड द स्पीशी टू बी डिस्कवर्ड इन द टोटल बोला था देअर आर अराउंड सेवन मिलियन स्पीशी ऑन दिस अर्थ सेवन मिलियन में से अभी आपसे वन पॉइंट फाइव मिलियन ही ढूंढ पाए हो तो दैट इज ओनली दी टू पर टोटल टोटल का कितना है ट्वेंटी अभी बहुत सी स्पीशी ऐसी हैं जो अनडिस्कवर्ड है तो उनका एस्टिमेट था सेवन मिलियन तो आपको यहाँ पे ये याद रखना होता है कि व्हाट वाज़ द रॉबर्ट मेज एस्टिमेट ऑफ द ग्लोबल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी कितना था उनका सेवन मिलियन आयु अभी कितना फाइंड आउट कर पाया है आयु अभी फाइंड आउट कर पाया है ओनली वन मिलियन वट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयु इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ये ये फुल फॉर्म भाई याद रखना होता है लो लिख लीजिए लिख लो इसको आप इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस इज द फुलते हैं एग्जाम्स वी एन तो है थोड़ा वियर्ड बट यही है ए की एन है बट यहाँ दो दो तो एन आ रहे हैं बट क्या कर सकते हैं उन्होंने ए की एन में रख दिया है शॉर्ट फॉर्म है ना तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स दिस इज वॉट द फुलॉर्म ऑफ आयु सी एन समझ आ गई अभी तक ये सारी कहानी तो कितना है वन टोटल मिलियन है अभी इसमें से सिर्फ ट्वेंटी टू परसेंट ही डिस्कवर कर पाए हैं दैट दैट इज इज अराउंड अराउंड मिलियन मिलियन ओके ये रॉबर्ट मे थे जो अभी आपने पिक्चर देखी नाउ एनिमल्स आर मोर डाइवर्स अबाउट सेवेंटी परसेंट देन प्लांट्स इंक्लूडिंग प्लांटे एंड फन तो भाई अगर अब हम बात करते हैं जितनी भी बायोडाइवर्सिटी अभी डिस्कवर हो गई है तो जो भी डिस्कवर हुआ है 1.5 मिलियन जो है वो डिस्कवर हुआ है इसको हम 100 परसेंट मान लेते हैं इसको हम मान लेते हैं तो हंड्रेड पर सेवेंटी परसेंट जो है वो एनिमल्स हैं और प्लांट ऑक्यूपाई परसेंट प्लांट ऑक्यूपाई मिलियन जो अगर मैं बोलू तो सेवेंटी परसेंट आर एनिमल एंड प्लाट्स ऑक्यूपाई परसेंट और प्लांट्स में फंजाई को भी इंक्लूड किया है तब जाके वो ट्वेंटी टू परसेंट है अकेले अगर प्लांट्स आपको पता है फंजाई सेपरेट किंगडम लेकिन अभी प्लांट और फंजाई को इंक्लूड करके इट इज ट्वेंटी टू परसेंट अगर यहां से मैं फनजाई को हटा दूँ तो वो ट्वेंटी टू परसेंट से और भी कम हो जाएगा तो एनिमल कितने एनिमल्स ने आउट ऑफ द टोटल हाउ मच परसेंटेज दे दे दराउंड सेवेंटी परसेंट एंड प्लांट्स अलॉन्ग विद्स ट्वेंटी टू परसेंट ठीक है समझ आ गई कहानी अब हम बात करते हैं एनिमल्स की अब एनिमल्स जिन्होंने टोटल आउट ऑफ टोटल सेवेंटी परसेंट जिन्होंने ऑक्यूपाई किया है तो अभी सेवेंटी फाइव सेवेंटी परसेंट में भी मैक्सिमम कौन है इन दिस सेवेंटी परसेंट इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशी रिच ग्रुप इस सत्तर परसेंट में से भी सबसे ज्यादा जो परसेंटेज ऑक्यूपाई करके रखा है वो किसका है दैट इज ऑफ इंसेक्ट्स दैट इज ऑफ इंसेक्ट्स दैट इज आउट ऑफ एवरी टेन एनिमल सेवन आर इंसेक्ट अभी सेवेंटी परसेंट को आपको कंसिडर करना है हंड्रेड परसेंट इस सेवेंटी परसेंट को अगर आप हंड्रेड परसेंट कंसिडर कर रहे हो तो इसका भी सत्तर परसेंट ऑक्यूपाई करके रखा है सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट ने मतलब जितने भी एनिमल इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं जितने भी टोटल एनिमल इस अर्थ पर प्रेजेंट हैं उनका सेवेंटी परसेंट सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट हैं मतलब हर दस एनिमल को आप कंपेयर करो तो उसमें सात तो कीड़े मकोड़े हैं तो इंसेक्ट्स आर सबसे ज्यादा स्पीशी रिच ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट आर स्मोस्ट स्पीशी रिच स्पीशी रिच ऑर्गेनिज्म हम पढ़ के आ रहे हैं हम टोटल नंबर ऑफ स्पीशी पढ़ रहे हैं तो हमने देखा टोटल अर्थ पे कितना है वन पॉइंट फाइव मिलियन उसमें से प्लांट्स कितने हैं इंक्लूडिंग फंचायत ट्वेंटी टू परसेंट एनिमल्स कितने हैं सेवेंटी परसेंट सेवेंटी परसेंट एनिमल्स में से भी मैगजिम कौन है तो मैगजिम आर इंसेक्ट तो इंसेक्ट फॉर्म द सेवेंटी परसेंट ऑफ टोटल एनिमल पॉपुलेशन टोटल एनिमल पॉपुलेशन या टोटल एनिमल डाइवर्सिटी का सेवेंटी परसेंट इज फॉर्म बाय द इंसेक्ट इज फॉर्म इंसेक्ट ओके नंबर ऑफ फं स्पीशी ऑफ एम्फीबिया रेप्टाइल एंड और अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा नंबर किसका ज्यादा है नंबर अब आप बोलोगे मैम इधर ये वाली बात में इंसेक्ट वाली बात में और यहाँ फिश वाली फंजाई वाली बात में डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि फंजाई का नंबर सबसे ज्यादा है लेकिन इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इनकी स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग स्पीशी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है तो इंसेक्ट्स की स्पीशी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है और फंजाई का नंबर सबसे ज़्यादा है क्लियर हो रही है दोनों बात अलग है जैसे मान लो ये एक फंजा है ये एक फंजा है तो ऐसी ही फंजाई का नंबर मैक्सिमम है इनका नंबर मैक्सिमम है एक जैसी फंजाई का लेकिन अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं तो इंसेक्ट में कई सारी वैरायटी हैं कई सारी इंसेक्ट्स में क्या है वैरायटी हैं और उस वैरायटी के वेराइटी वाइज़ देखें डाइवर्सिटी वाइज़ देखें तो इंसेक्ट्स में सबसे ज़्यादा होती हैं और अगर हम नंबर वाइज़ देखें नंबर वाइज़ तो सबसे मैक्सिमम स्पीशी किसकी मिलती है हमें अगर हम देखते हैं स्पीशी वाइज डाइवर्सिटी वाइज तो इट इज़ ऑफ द इंसेक्ट्स और अगर नंबर वाइज़ देखते हैं तो इट इज़ ऑफ द फनजा इट इज ऑफ द फंजाई क्लियर हो गई आपको कहानी नाउ नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज़ मोर देन द कंबाइन टोटल ऑफ स्पीशी ऑफ फिशेज एम्फीबिया रेप्टाइल एंड मैमल अगर आप सारी स्पीशीज़ मिला दो किसी इसकी फिशेस एम्फीबिया रेप्टाइल मैमल सबको मिला दो सबको सबको जितने जितने टोटल हैं तब भी फंजाई की जो स्पीशी है उसके समवर्ट बराबर तब आ पाएंगे या फिर हो सकता है तब भी फनजाई की स्पीशी ज़्यादा ही हो तो जो फंजय होती है अगर हम उसकी बात करें तो वो सबसे ज्यादा क्या होती है सबसे ज्यादा नंबर्स में हाई होती है नंबर ऑफ फंजय स्पीशीज मोर देन द दम्बाइंड टोटल ऑफ द स्पीशी ऑफ फिशेज एम्फीबिया रेप्टाइल मतलब सबसे ज्यादा होती है ठीक है क्लियर है आपको ये कहानी तो आपको ये चीज याद रखना है कि फनजय होल्ड द मैक्सिमम नंबर नाउ लेट सी दिस फ्लो चार्ट और दिस स्पाई चार्ट गुक

तो पौरी फरा से लेके इकाइन डर मैटा तक सबके सब होते हैं इनवर्टिब्रेट्स बट आउट ऑफ द टोटल इनवर्टिब्रेट्स मैक्सिमम परसेंटेज इज ऑक्यूपाइड बाय इंसेक्ट तो इंसेक्ट फॉम द फर्स्ट फर्स्ट कैटेगरी जो कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑक्युपाई करते हैं ये तो हमने पहले ही देख लिया इंसेक्ट्स इनवर्टिब्रेट्स होते हैं मैक्सिमम जगह जो होता है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाइवर्सिटी ऑक्यूपाई करते हैं इंसेक्ट और उसके बाद में जो रहता है कोई और आएगा सेकेंड नंबर पे जो आते हैं वो होते हैं मॉलस्क पे कौन आते हैं मॉलस्क थर्ड नंबर पे आते हैं अदर एनिमल ग्रुप एंड लास्टली लास्टली तो अगर मैं इनवर्टिब्रेट्स में आपसे पूछूं कि आप बताओ इन वर्टिब्रेट्स में स्पीशी डाइवर्सिटी का ऑर्डर क्या होगा वॉट विल बी स्पीशी डाइवर्सिटी हम क्या हम क्या देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ स्पीशी डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ स्पीशी डाइवर्सिटी ऑर्डर ऑफ स्पीशी डाइवर्सिटी सबसे पहले मैं अगर आपसे पूछूं इन में क्या होगा इनवर्टी तो आप क्या बोलोगे भाई इनवर्टीब्रेड्स में इनवर्टिब्रिड्स में मैक्सिमम होते हैं इंसेक्ट्स सेकेंड नंबर पे होते हैं मॉलस्क थर्ड नंबर पे होते हैं अदर एनिमल ग्रुप कुछ अदर्स हो सकते हैं और लास्टली होते हैं क्रस्टेशियंस

After birds, it's reptile. Then fourth number पे आप मान सकते हो amphibia. And lastly, mammals. या फिर इसमें थोड़ा confusion है फाइव इन एम्फीबिया और मैमल तो सबसे पहले तो हमें जो समझ में आया कि मैक्सिमम जिनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम जिनका नंबर मिलता है इन वर्टीब्रिड्स की अगर हम बात करते हैं वर्टी तो क्या होता है वर्टी में मैक्सिमम जो होते हैं वो होती हैं फिशेस Fishes के के बाद बाद क्या है? है आपको दिख रहा रेप्टाइल रेप्टाइल और और बर्ड, बर्ड मैं इसको अभी सेम लेवल रख दे रही हूँ क्योंकि पाई डायग्राम को के इतना एग्जैक्ट एस्टिमेशन हमें नहीं मिल रहा अनलाइक इनवर्टिट अनलाइक इनवर्टिट सो दिस इज ऑर्डर ऑफ स्पीशी डाइवर्सिटी फॉर इनवर्टिट क्लियर

थर्ड नंबर पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा एलगे थर्ड नंबर पे आपको कौन दिखेगा एल्गे 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 कौन होता है तो सिंपलेस्ट प्लांट देन फोर्थ नंबर पे आप देखोगे तो आपको मॉसेस और एलिज दिखेंगे कौन दिखेंगे मॉसेस, मॉसेस और एलिज और जब लास्टली आपको दिखेंगे लाइकेन्स लास्टली आपको क्या दिखेंगे द ऑर्डर ऑफ स्पीशी डाइवर्सिटी फॉर प्लांट्स तो ये जो होता है ऑर्डर आपको इन फ्लो पाई चार्स को देख के ये याद रखना होता है कि अगर इन वर्टिब्रेट में पूछा है तो विच स्पीशी विल बी मैक्सिमम विच स्पीशी विल हैव मैक्सिमम डाइवर्सिटी वर्टिब्रेट्स में पूछ सकते हैं इन वर्टिब्रेट में पूछ सकते हैं सिमिलरली प्लांट्स में भी पूछ सकते हैं ओके क्लियर चलो बढ़िया तो आगे ये सारी बातें समझ नंबर ऑफ स्पीशी आपको क्लियर हो रहा है बढ़िया चलो अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया अब हम अकेले अपनी कंट्री की बात कर रहे थे इंडिया तो इंडिया में क्या है भाई इंडिया हैज़ ओनली 2.4 परसेंट ऑफ द टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया बट 8.1 ऑफ द स्पीशी डाइवर्सिटी अगर पूरा वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है इफ इट इज हंड्रेड परसेंट इंडिया हैज़ ओनली टू पॉइंट फोर परसेंट एरिया एरिया कितना है टू पॉइंट फोर परसेंट है बट आउट ऑफ द टोटल स्पीशी डाइवर्सिटी जो 100% परसेंट स्पीशी डाइवर्सिटी है उसमें से जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 8.1% पॉइंट वन परसेंट तो इंडिया इज स्पीशी रिच कंट्री उसमें काफ़ी सारी स्पीशी डाइवर्सिटी है कम एरिया होने के बाद भी स्पीशी डाइवर्सिटी ज़्यादा है इंडिया हैज़ इज़ वन ऑफ द ट्वेल्व मेगा बायो ऑफ कंट्री तो इंडिया हमारे तो वर्ल्ड में बारह मेगा डायवर्सिटी है मेगा बायोडाइवर्सिटी तो मेगा डाइवर्सिटी या मेगा बायोडाइवर्सिटी क्या होता है वो कंट्रीज जो स्पीशी रिच हैं जहाँ पर वेराइटी ऑफ स्पीशीज मिलती हैं उनको हम बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी सो देयर आर 12 सच कंट्री इन वर्ल्ड एंड इंडिया इज वन ऑफ दोस 12 कंट्री इंडिया उन 12 कंट्रीज में से एक है जिसमें मैक्सिम स्पीशी डाइवर्सिटी हमें मिलती है तो दे आर नोन एज मेगा डाइवर्सिटी देन Nearly कितना क्या है भाई देख लेते हैं नंबर मिलती है यहाँ पे प्लाट्स की और उसको ही डबल कर दो तो अराउंड कितना हो जाएगा अराउंड नाइनटी थाउजेंड स्पीशी मिलती है एनिमल्स की अब प्लाइंट्स मेज ग्लोबल, ग्लोबल एस्टिमेट इंडिया वे मोर देन वन लैख प्लांट्स पिशी एंड थ्री लैख एनिमल्स पिशी और अगर मे जो था रॉबर्ट मे का एस्टिमेट था ना कितना था सेवन मिलियन सेवन मिलियन एस्टिमेट था जो रॉबर्ट मेड का मे का अगर हम उसको अप्लाई करके देखें तो अभी अभी जो इंडिया में टोटल वन लाख प्लांट स्पीशी एंड थ्री लाख एनिमल स्पीशी अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं ओके तो मे के एस्टिमेशन से ये कुछ डेटा है बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीशी बिकॉज प्रोकैरियोटिक स्पीशी के बारे में यार इतना कुछ अंदाजा नहीं लग पा रहा है यू करियोटिक की तो बड़े मज़े से सब लोग बात कर रहे हैं प्लांट एनिमल फनजा सबकी बातें चल रही हैं लेकिन बैक्टीरिया वैक्टीरिया की कोई बातें नहीं करी जा रही क्यों नहीं करी जा रही क्या वो लिविंग आजकल बंद कर दिया उन्हें लिविंग नहीं है आज से उन्हें मान लिया हम नॉन लिविंग है बोलो 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 बिकॉज प्रो कैरियोटिक्स स्पीशीज की स्टडीज इज़ वेरी डिफिकल्ट वेरी वेरी डिफिकल्ट वाई दे आर डिफिकल्टिकॉज कन्वेंशनल एक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशी जो हमारे पास मेथड्स ही नहीं है पहली चीज़ वी डोंट हैव मेथड्स मेथड्स द कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिक आर है प्रो करियर लेबोरेटरी मैनी स्पीशी नॉट बी कल्चरड अब कई सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं हम जिन्हें लैब में कल्चर कर ही नहीं सकते सो so, मतलब प्रोकैरियोट्स के साथ में और भी दिक्कतें हैं जैसे अगर मैं बोलूं तो प्रोकैरियोट्स में म्यूटेशन जल्दी होता है प्रोकैरियोट्स में और क्या होता है भाई प्रो जल्दी जल्दी रेप्लिकेट करता है तो उनकी डाइवर्सिटी तो इंक्रीज हो रही है मतलब उनका नंबर्स हर दिन इंक्रीज हो रहे हैं हर मिनट इंक्रीज हो रहे हैं और बात करें तो वी डोंट हैव सच मेथड्स कन्वेंशनल मेथड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर प्रोकैरियोट्स और क्या है भाई कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक जिन्हें हम लैब में ग्रो ही नहीं कर सकते अब जब लैब में ग्रो नहीं करोगे तो उनको कहाँ नेचुरल सोर्स ढूंढोगे कैसे करोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ओके सो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज की स्टडी इज नॉट येट इंक्लूडेड इन द आर स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड समवॉट नियर टू इम्पॉसिबल ओके okay, समझ में आई कहानी सो दिस वाज इजी टॉपिक याद करने वाली चीजें ज्यादा है अगर इस वीडियो में पूछो तो क्या इंपॉर्टेंट है तो मैं बोलूंगी सिर्फ द पाई आर्ट्स जो तीन डायग्राम दिए हैं दैट आर इम्पोर्टेंट एंड द रॉबर्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट बस दैट दैट वाज अ इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी तो ऐसा है कि ठीक है गिवन है डेटाज कभी नहीं पूछे जाते तो आपको ऐसा है उनको याद करने पर इतना इम्फेसाइज नहीं करना है. ओके okay, तो अभी अगर कोई भी डाउट आया है तो अपने डाउट्स को क्लियर करो और अगर सब कुछ समझ में आ गया और मजा भी आ गया है तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब थैंक यू एंड कीप वॉचिंग